Hello everyone, in the series of Transfer of Property Act 1882, today we are going to discuss section 14 of this act, that is rule against perpetuity. So first the question arises, what is perpetuity? Ki perpetuity kya hota hai? To perpetuity ka matlab hota hai indefinite period. Indefinite period ki baat kyun aa rahi hai? क्योंकि जब हम कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं और उसका जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए रख दें तो उसके अगेंस्ट में ये जो रूल है उसके लिए इसमें बात करी है. ये जो सेक्शन 14 है ये 13 से ही रिलेट करता है. सेक्शन 13 में बात हुई थी अनबॉर्न पर्सन के राइट की, कि अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होगी वो प्रोसीजर सेक्शन 13 में बता रखा है. तो उसी के आगे जो बात करी वो 14 में बात करी और वो उसी सेक्शन को फर्दर एक्सप्लेन करते हुए 14 बनाया हुआ है और वो रूल अगेंस्ट परपेचुटी बना हुआ है. क्योंकि जो सेक्शन 13 था उसमें एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करने की बात थी कि आपको एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना है. अगर आपने सेक्शन 13 की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप सेक्शन 13 की वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए. तो सेक्शन 13 में बात हुई थी कि एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए. अब वो जो प्रायर इंटरेस्ट हो रहा है वो उस पर्सन की लाइफ इंटरेस्ट के लिए है कि उस जब तक वो जिंदा है उस पर्सन के पास उसका लाइफ इंटरेस्ट है. वो नॉन ट्रांसफरेबल ऑक्यूपेंसी राइट है उसके पास. वो रह सकता है उसमें, उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है लेकिन उस प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफर नहीं कर सकता जो प्रायर इंटरेस्ट किया गया है. यहाँ पे जो एग्जांपल लिया हुआ है ये एग्जांपल अनबॉर्न पर्सन के फेवर का ही है, अनबॉर्न पर्सन वाले सेक्शन का ही. देखिए, ए ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ देन टू एल्डेस्ट सन ऑफ बी एब्सोल्युटली. तो ए अपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है बी को फॉर लाइफ. फॉर लाइफ का मतलब है कि यहाँ पे जो बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है वो एक लाइफ इंटरेस्ट है. लाइफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि उसके पास नॉन ट्रांसफरेबल राइट है ऑक्यूपेंसी का. वो रह सकता है उस प्रॉपर्टी को, एंजॉय कर सकता है, उस प्रॉपर्टी के बेनिफिट ले सकता है लेकिन उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता. ये बी के पास राइट है. और जिस दिन बी की डेथ हो जाएगी, आफ्टर द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ बी, जो एल्डेस्ट सन होगा बी का, ये प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली उसके पास चली जाएगी, बी के सन के पास. तो बी के सन के पास जो राइट होंगे वो एब्सोल्युट राइट होंगे. वो उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट जैसा यूज लेना चाहे वैसा ले सकता है, एंजॉयमेंट, उसको सेल कर सकता है, उसको मॉर्गेज कर सकता है, उसको ट्रांसफर कर सकता है. वो सारे राइट जो ए के पास है आज के टाइम ट्रांसफर करने से पहले, वो सारे राइट बी के सन के हो जाएंगे. ये रूल जो है ट्रांसफर ऑफ अनबॉर्न पर्सन की बात करता है. लेकिन जो सेक्शन 14 है वो रूल अगेंस्ट परपेचुटी. तो परपेचुटी का मतलब होता है कि जब आप ट्रांसफर कर रहे हो प्रॉपर्टी का, लेकिन अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर करने से पहले आपने जो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करे हैं, वो प्रायर इंटरेस्ट आप कितने भी क्रिएट कर सकते हो, उसका नंबर डिफाइन नहीं है कि आपको सिर्फ इतने ही प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करने हैं. आप प्रायर इंटरेस्ट कितने भी कर सकते हो लेकिन एट द एंड वो प्रायर इंटरेस्ट के बाद वो किसी एक पर्सन जो अनबॉर्न पर्सन है उसको लाइफ इंटरेस्ट मिलना ही चाहिए उस प्रॉपर्टी का. मतलब फॉर एग्जांपल ए अपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है पहले बी को. ए ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ, लाइफ इंटरेस्ट के. बी जब तक जिंदा रहेगा तब तक बी का आसपास उसकी बेनिफिट ले सकता है. फिर है देन टू सी. अब बी की डेथ होते ही प्रॉपर्टी सी के पोजिशन में आएगी. सी उसको एंजॉय कर सकता है लेकिन फॉर लाइफ है, तो मतलब वो ट्रांसफर नहीं कर सकता उस प्रॉपर्टी को. उस प्रॉपर्टी के सिर्फ जो बेनिफिट्स हैं, जो एंजॉयमेंट है उस प्रॉपर्टी का, वो एंजॉयमेंट ले सकता है. देन टू एल्डेस्ट सन ऑफ बी एब्सोल्युटली. तो यहाँ पे जो बी का एल्डेस्ट सन होगा उसको ये प्रॉपर्टी एब्सोल्युट ट्रांसफर हो रही है. तो ये जो है यहाँ पे रूल अगेंस्ट परपेचुटी की बात करता है. ये बताता है कि आप प्रायर इंटरेस्ट कितने भी क्रिएट कर सकते हो लेकिन एक टाइम के बाद वो प्रॉपर्टी किसी ना किसी पर्सन के पास एब्सोल्यूट ट्रांसफर होनी चाहिए. ये जो सेक्शन लाया गया है ये इसलिए लाया गया है क्योंकि लोग चाहते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी अपने घर में रही रहे, अपने घर के लोगों में ही ट्रांसफर होती रहे, कहीं बाहर नहीं जाए. पहले के ज़माने में ये होता था कि अगर कोई प्रॉपर्टी होती थी तो लोग चाहते थे कि वो अपने पास ही रहे, वो ट्रांसफर नहीं हो. तो वो लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना शुरू करते थे कि बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी. तो ऐसे लाइफ इंटरेस्ट आप कितने भी क्रिएट कर सकते हैं लेकिन वो जिन पर्सन के लिए लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है वो सारे एग्जिस्टेंस में होने चाहिए, वो सारे जिंदा होने चाहिए. जैसे यहाँ पे बी और सी अभी जिंदा है, इसमें हो सकता है बी के बाद सी, सी के बाद डी को कर दे, डी के बाद ई को कर दे,
और कंटिन्यूएशन में आगे तक जितने लोगों करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन वो सारे लोग जिंदा होने चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, जब ये ट्रांसफर डीड बना रहा है। और फिर उसको एक फाइनली जो अपनी प्रॉपर्टी है वो एब्सोल्यूट ट्रांसफर करनी पड़ेगी किसी ऐसे पर्सन के जो अनबोर्न है। तो ओवरऑल जो चीज़ है वो ये है कि आप अपनी प्रॉपर्टी एक टाइम तक ही अपने परिवार में रख पाएंगे, उसके बाद आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी एब्सोल्यूटली। क्योंकि अगर आप सभी को लाइफ इंटरेस्ट देंगे, सभी को लाइफ इंटरेस्ट देंगे, तो हो सकता है इमरजेंसी के टाइम वो कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सके। सपोज मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ जाए और प्रॉपर्टी सेल करने की बात आ जाए, यहाँ पे ए की डेथ हो जाती है, प्रॉपर्टी बी के पास है और बी के लाइफ टाइम वो एंजॉयमेंट कर सकता है, लेकिन बी के पास ऐसी इमरजेंसी आ गई है कि उस प्रॉपर्टी का वो लाइफ टाइम एंजॉयमेंट कर सकता है, अगर उस प्रॉपर्टी को वो सेल नहीं करेगा तो वो बी के पास जो उसका डेब्ट है वो उसके पूरे नहीं दे पाएगा, उसका पेमेंट नहीं कर पाएगा। इतने सारे क्रेडिटर हैं बी के, तो उनका पेमेंट करने के लिए जो प्रॉपर्टी है उसको सेल करना जरूरी है, लेकिन उसके पास लाइफ इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी का, तो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर ही नहीं सकता, उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता। तो इस कारण से ये जो बात है, ये जो सेक्शन है, ये लाया गया कि आपको एट द एंड किसी एक पर्सन के फेवर में उस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि जिससे जो ट्रेड और कॉमर्स है प्रॉपर्टी का वो चलता रहे और जो प्रॉपर्टी है उसका बेटरमेंट होता रहे। और एक फायदा ये भी है कि जब गवर्नमेंट के लिए अगर हम ट्रांसफर वाली जो बात करती रहेंगे, अगर ट्रांसफर होता रहेगा तो गवर्नमेंट के भी रजिस्ट्रेशन से पैसे आते रहेंगे, स्टाम्प ड्यूटी आप परचेज करेंगे, स्टाम्प पेपर परचेज करेंगे, तो गवर्नमेंट के लिए भी रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स रहेगा कि एक टाइम बाद आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी ही होगी। तो ये रूल अगेंस्ट परपेचुटी की बात करता है। इस रूल्स अगेंस्ट परपेचुटी के अगर हम कुछ एसेंशियल्स देखें, सेक्शन पढ़ने से पहले ही अगर हम कुछ एसेंशियल्स की बात करें, तो वो ये हो सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसका ट्रांसफर होना चाहिए। वो जो ट्रांसफर होगा उसका अल्टीमेट बेनिफिट जो होगा वो अनबॉर्न पर्सन को जाएगा और अनबॉर्न पर्सन को वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट में जाएगा। यहाँ पे जैसे इलस्ट्रेशन में देख लीजिए, ये प्रॉपर्टी है, इसका ट्रांसफर हो रहा है, और ये जो ट्रांसफर हो रहा है इसका जो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इस प्रॉपर्टी का वो एल्डेस्ट सन ऑफ बी के पास जा रहा है जो कि अभी अनबॉर्न है। फिर बात आती है कि जो वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट है इन फेवर ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी इज प्रिसीडेड बाय लाइफ इंटरेस्ट ऑफ लिविंग पर्सन। तो जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है बी, जो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलेगा, उससे पहले कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जिनको लाइफ इंटरेस्ट मिले। तो यहाँ पे लाइफ इंटरेस्ट बी और सी को मिल रहा है। उसके बाद आती है कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है वो आ जाना चाहिए जो लास्ट प्रिसीडिंग पर्सन है उसकी डेथ से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सी जो है लास्ट प्रिसीडिंग पर्सन है, सी की डेथ होने से पहले पहले बी का जिंदा होना जरूरी है, बी का पैदा होना जरूरी है। अगर बी पैदा नहीं होता है सी की डेथ से पहले, तो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी बी को। सपोज मान लीजिए सी मर जाता है और बी जो सन, बी का जो सन है वो जिंदा नहीं होता है। यहाँ पे जो भी मैंने बात करी थी वो ये था कि सी जब है, सी के टाइम जब सी जिंदा है उस टाइम बी का जो सन है, जो अनबॉर्न पर्सन है, वो एग्जिस्टेंस में आना चाहिए, क्योंकि बी का सन अल्टीमेट बेनिफिशियरी है। तो सी की डेथ होने से पहले बी का एल्डेस्ट सन जो है वो आ जाना चाहिए। अगर सपोज मान लीजिए सी की डेथ हो जाती है और बी का एल्डेस्ट सन जो है वो नहीं आता है, अभी वो पैदा नहीं होता है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये सी की डेथ के बाद ए के जो लीगल हेयर्स हैं उनमें ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि ए की डेथ हो चुकी होगी जब तक, और ए की डेथ नहीं होगी तो ये प्रॉपर्टी ए के पास ही चले जाएगी, रिवर्ट बैक हो जाएगी ए को। जो लास्ट एसेंशियल है वो है इस सेक्शन का कि जो प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे हो अनबॉर्न पर्सन के लिए, वो आप एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट तो उसको मिल चुका है, लेकिन जब आप एब्सोल्यूटली ट्रांसफर करोगे तो वो एब्सोल्यूटली ट्रांसफर ये है कि आप मैक्सिमम उसको जो जब तक वो माइनर है तब तक आप उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं दे सकते, लेकिन जिस दिन वो मेजर हो जाएगा उस दिन आपके पास वो प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आ ही जाएगा। मैक्सिमम जो मेजोरिटी की जो बात है वो ये है कि इंडिया में अगर जनरल देखी जाए तो मेजोरिटी होती है 18 ईयर्स पे। तो जिस दिन जो बी का सन है, एल्डेस्ट सन जो होगा वो 18 साल का हो जाएगा, तब तक तो आप प्रॉपर्टी को रख सकते हो। वो पीरियड एबियंस पीरियड कहलाएगा, क्योंकि ए की डेथ हो गई है, अभी जो बी है उसको लाइफ इंटरेस्ट मिला हुआ है, बी की लाइफ के बाद सी को मिलेगा बी की डेथ के बाद। तो इस टाइम पीरियड में, और जब बी का सन जिंदा हुआ, जो बी का सन हो रहा है और वो 18 ईयर्स तक का हो रहा है,
तो ये सारा पीरियड कहलाता है पीरियड ऑफ एवियंस, क्योंकि इस पीरियड में प्रॉपर्टी का कोई भी ओनर नहीं है, रियल ओनर कोई भी नहीं है प्रॉपर्टी का, तो ये पीरियड कहलाता है एवियंस पीरियड। तो अब हम सेक्शन की बात करते हैं कि सेक्शन में क्या लिखा है। सेक्शन बात करता है नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट विच इज टू टेक इफेक्ट आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर पर्सन लिविंग एट द डेट ऑफ सच ट्रांसफर। ये बात कर रहा है कि कोई भी ऐसा ट्रांसफर नहीं होगा जिसमें सिर्फ इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, एक कोई इंटरेस्ट है वो क्रिएट हो रहा है किसी भी पर्सन के लिए, वो लाइफ टाइम के लिए हो रहा है, एक से ज्यादा लोगों के लिए। यहाँ पे जो इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है वो लाइफ टाइम बी और सी के लिए तो हो रहा है, लेकिन आगे इसमें बात करिए एंड द माइनॉरिटी ऑफ सम पर्सन हु शैल बी इन एग्जिस्टेंस एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड। तो ये जो सी की लाइफ के एंड के बाद, सी की जब तक डेथ नहीं होती उससे पहले ये जो पर्सन है एल्डेस्ट सन ऑफ बी, इसका एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है। और इसको अगर आप सिर्फ एक इंटरेस्ट दे रहे हो, यहाँ पे आप एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो अगर इस पर्सन को, तो ये जो ट्रांसफर होगा ये वॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नो से शुरू हुआ ये जो सेक्शन है, सेक्शन की जो लाइन है वो इसी यही कह रही है कि आप अगर एक इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो तो वो इंटरेस्ट लाइफ इंटरेस्ट जो है वो उनके बेनिफिट सिर्फ उन पर्सन के लिए हो सकता है जो प्रायर इंटरेस्ट है, लेकिन जब आप फाइनली एक अनबॉर्न पर्सन के लिए कर रहे हो तो वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होना चाहिए, वो एक सिंपल इंटरेस्ट नहीं होगा, वो एक एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होगा, वो लाइफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता, वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होगा, उसके पास सारी पावर होंगी उस प्रॉपर्टी की जो अभी ए के पास है ट्रांसफर करने से पहले। एंड टू होम इफ ही अटेन फुल एज द इंटरेस्ट रिलेटेड टू बी बिलोंग, और अगर वो अपनी फुल एज अटेन कर लेता है, फुल एज का अटेन करने का मतलब ये है कि 18 ईयर्स तक आप इस प्रॉपर्टी को रोक सकते हो, 18 ईयर्स तक तो आप ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, 18 ईयर्स तक वो पर्सन इस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ऑनर नहीं है, लेकिन 18 ईयर्स के बाद, 18 ईयर्स का जैसे ही वो हो जाएगा वो उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिल जाएगा। सपोज मान लीजिए एक कंडीशन लगाता है ट्रांसफर डीड में, ट्रांसफर डीड में कंडीशन लगाता है कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता हूँ बी को, और उसमें कंडीशन लगाया कि आपको लाइफ इंटरेस्ट है, फिर बोल रहा है कि आपकी डेथ के बाद, बी की डेथ के बाद सी को लाइफ इंटरेस्ट है, और सी की डेथ के बाद बी का जो एल्डेस्ट सन होगा उसको मिलेगा, लेकिन वो तभी मिलेगा जब बी का एल्डेस्ट सन 18 साल का हो जाएगा। तो जब बी का एल्डेस्ट सन 18 साल का होगा तब बी को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब ये है कि बी जिस दिन पैदा हो रहा है उस दिन इसको वेस्टेड इंटरेस्ट तो मिल चुका है, मतलब ये तो कन्फर्म हो चुका है कि प्रॉपर्टी का ओनर वही बनेगा, लेकिन 18 साल का होगा तब उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलेगा। सो ये सेक्शन में बात करी है। अब इसी से रिलेटेड जो एक सेक्शन है वो है सेक्शन 20। सेक्शन 20 में बात करता है कि व्हेन अनबोर्न पर्सन एक्वायर वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफर फॉर हिज बेनिफिट। तो इसमें जो हमने बात करी थी 18 इयर्स की, वो ये बता रहा है कि वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन नॉट देन लिविंग। जब हम कोई प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पे, और एक इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन जो अभी जिंदा नहीं है, जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है, ही एक्वायर्स अपॉन हिज बर्थ। तो ये जो बात है, अगर कोई इस कंडीशन नहीं होती है तो वो जैसे ही बी पैदा हुआ उसको उस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिल गया है। अब उस प्रॉपर्टी को वो जैसे यूज करना चाहे वैसे यूज कर सकता है, वो ट्रांसफर कर सकता है, वो डिस्पोज कर सकता है, ये बी के एल्डेस्ट सन के ऊपर है उसको क्या करना उस प्रॉपर्टी का। Unless a contrary intention appears from the term of transfer, unless का मतलब ये है कि इस लाइन का मतलब है कि अगर कोई कंडीशन इम्पोज कर दी है कि भाई बी का जो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होगा वो तभी होगा जब बी 18 साल का हो जाए, तो ही ये एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलेगा। तो 18 साल का होने तक ही उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलेगा। और यहाँ पे जो बात है वो यह है, इस सेक्शन में भी अटेन फुल एज, तो फुल एज हमारे यहाँ पे 18 साल मानी जाती है, और अगर कोर्ट किसी पर्सन का, किसी बच्चे का गार्जियन अपॉइंट करती है तो वो 21 साल की एज होती है, तो मैक्सिमम 18 साल जनरली देखा जाएगा। तो 18 साल का होते ही उसको 18 साल के होने के बाद उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिल जाएगा। अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ ट्रांसफर, क्योंकि अगर कोई अगर ऐसी कंडीशन आती है तो है, नहीं तो जिस दिन उस बच्चे का जन्म होगा, जैसे ही बर्थ होगा, उस बच्चे को उस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिल जाएगा। अ वेस्टेड इंटरेस्ट अलोंग विद ऑल्दो He may not be entitled to enjoyment thereof immediately on his birth.
वो जिस दिन उसका बर्थ हुआ है हो सकता है वो उस दिन उसको यूज नहीं कर पाए, उसका एंजॉयमेंट नहीं कर पाए उस प्रॉपर्टी का, लेकिन उसका उस प्रॉपर्टी में एक वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है और जो मैक्सिमम है वो 18 ईयर्स है कि 18 साल तक आप रोक सकते हो किसी बच्चे को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आने के लिए, लेकिन जो उस प्रॉपर्टी में उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है वो तो क्रिएट हो चुका है क्योंकि वो पैदा हो चुका है। तो जिस दिन भी पैदा हुआ उसी दिन उसका एब्सोल्यूट इंटरेस्ट तो क्रिएट हो गया, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन आ गई तो उस कंडीशन में आप उस वी का जो बच्चा होगा वो उस प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जिस दिन वो 18 ईयर्स की अपनी जो मेजोरिटी एज है वो ख़त्म हो जाएगी उस दिन से वो उसका एब्सोल्यूट इंटरेस्ट हो जाएगा और वो उसका बेनिफिट ले सकता है, यूज़ कर सकता है, उसके बेनिफिट के लिए होगी प्रॉपर्टी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेक्शन, रूल अगेंस्ट परपेचुटी। परपेचुटी का मतलब होता है कि आप रोक सकते हैं किसी भी चीज़ को इंडेफिनेट पीरियड के लिए, लेकिन यहाँ पे नहीं रोक सकते, इसके अगेंस्ट में ये रूल बताया गया है। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।